मुझे अपनी बात पूरी करनी चाहिए। जब मेरी सजा खत्म हुई तो मैं खुद ही उस डायरी और चिट्ठियों की तलाश में निकल पड़ी, क्योंकि अगर मैं ये सब रूसी गवर्नमेंट को भेजती तो वो मेरे दोस्त की रिहाई कर देते। मुझे पता था कि मेरे पति इंग्लैंड आए थे। महीनों की खोज के बाद मुझे पता चला कि वो कहाँ था। मुझे पता था कि उसके पास अभी भी मेरी डायरी है। जब मैं साइबेरिया में थी तो मुझे एक बार उसकी चिट्ठी आई थी, जिसमें उसने उन चिट्ठियों की कुछ बातों को लेकर गुस्सा जताया था। मुझे यकीन था कि अपने मिजाज से मजबूर वो अपनी मर्जी से मुझे कभी वो सब नहीं देगा और मुझे खुद ही उसे हासिल करना चाहिए। इस प्लान के साथ मैंने एक प्राइवेट जासूस के फर्म से एक एजेंट को हायर किया था, जिसने असिस्टेंट बनकर मेरे पति के घर में जगह बनाई। ये तुम्हारा दूसरा असिस्टेंट था सर्जियस, जिसने तुम्हें जल्दी ही छोड़ दिया था। उसने ही पता किया था कि वो सब डॉक्यूमेंट्स उस स्टडी टेबल के कपबोर्ड में रखे हुए थे, और उसने चाबी का छाप भी ले लिया था। वो इससे आगे का काम नहीं करना चाहता था। उसी ने मुझे इस घर का नक्शा दिया था और मुझे बताया कि दोपहर से पहले स्टडी रूम हमेशा खाली रहता है, क्योंकि तब असिस्टेंट यहाँ ऊपर काम करता था। इसलिए आखिर में मैंने इस काम को अपने दोनों हाथों में ले लिया। अपनी हिम्मत बटोरी और मैं अपने पेपर लेने के लिए यहाँ आ गई। मैं कामयाब रही, लेकिन इसकी मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने वो कागजात सिर्फ लिए ही थे और कपबोर्ड बंद कर ही रही थी कि उस नौजवान सेक्रेटरी ने मुझे पकड़ लिया था। मैंने उस दिन सुबह ही देखा था, वो मुझसे सड़क पर मिला था और मैंने उससे प्रोफेसर कोरम कहाँ रहते हैं ये पूछा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो यही काम करता था। Exactly. असिस्टेंट ने वापस आकर प्रोफेसर को सब कुछ बता दिया था, तभी उसने अपनी आखिरी सांस में बताने की कोशिश की कि वो वही है, वही जिसके बारे में उसने बात की थी। आप मुझे बोलने दीजिए, उस औरत ने कहा। उसके चेहरे से दर्द छलक रहा था। जब वो गिर गया था, मैं कमरे से भागी, गलत दरवाजे के अंदर गई और खुद को मेरे पति के रूम में पाया। उसने मुझे पुलिस के हवाले कर देने की बात कही और मैंने उसे बताया कि अगर उसने मुझे कानून के हवाले किया तो उसकी जिंदगी मेरे हाथों में होगी। मैं भी उसे उस पुराने ग्रुप के हवाले कर दूंगी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, बल्कि मैं अपने इरादे को पूरा करना चाहती थी। वो जानता था कि मैं वही करूंगी जो मैं कहती हूं, और ये भी कि उसका नसीब मुझसे जुड़ा था, इसीलिए और बस इसीलिए उसने मुझे बचाया। उसने मुझे उस अंधेरे कोने में छिपने की जगह दी जो पुराने जमाने का बना हुआ है, जिसके बारे में सिर्फ वो ही जानता था। वो अपने लिए खाना कमरे पर ही मंगाता था और इसलिए मुझे भी खिला देता था। हमारा इस बात पर समझौता हुआ कि जब पुलिस वाले घर से चले जाएंगे तो मैं रात को यहां से खिसक जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन किसी तरह से आपने हमारी सारी बातें जान ली थी। उसने अपनी ड्रेस से एक छोटा पैकेट निकाला और कहा, ये मेरी आखिरी बात है। ये रहा पैकेट जो एलेक्सिस को बचा सकता है। मुझे आप और आपके न्याय पर भरोसा है। ले लीजिए, आप इसे रशियन एम्बेसी में दे दीजिए। अब मैंने अपनी ड्यूटी निभा ली और उसे रोको, होम्स चिल्लाया। वो कमरे में दौड़ा और झपट कर उसने उसके हाथ से एक छोटी सी शीशी ले ली। अब बहुत देर हो गई है, वो बेड पर वापस गिरते हुए बोली। बहुत देर, अपने छिपने की जगह छोड़ने से पहले ही मैंने जहर पी लिया था। मेरा सर घूम रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं आपको याद दिलाती हूँ सर, पैकेट को याद रखिए। एक सिंपल केस कुछ मायनों में बहुत जरूरी भी, होम्स ने वापस अपने शहर लौटते हुए कहा। ये पिंस ने इस पर शुरू से जुड़ा था। वो तो खुशकिस्मती थी कि मरने वाले ने चश्मे को ही कातिल से छीन लिया था। ऐसा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस नतीजे पर पहुंच सकते थे। चश्मे के पावर को देखते ही ये बात साफ हो गई थी कि पहनने वाले को इसके बिना देखने में काफी दिक्कत होती होगी, या फिर बिल्कुल नहीं दिखाई देता होगा। जब तुमने मुझे भरोसे के साथ कहा कि कातिल घास की पट्टी में बिना कोई गलत कदम उठाए चला था, तो वो एक सोचने वाली बात थी। मेरे दिमाग में था कि नामुमकिन है अगर कातिल के पास दूसरे चश्मे की जोड़ी ना हो। इसीलिए मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि वो बाहर निकली ही नहीं, बल्कि घर के अंदर ही रह रही थी। दोनों कॉरिडोर एक जैसे ही दिखते हैं, ये देखकर साफ हो गया था कि कातिल ने बहुत आसानी से गलती कर दी होगी और वैसी हालात में वो प्रोफेसर के कमरे में घुस गई होगी। इसीलिए मेरे अंदाजे का जो कुछ भी नतीजा निकलता मैं उसके लिए तैयार था, और मैंने पूरे कमरे को बहुत ध्यान से देखा ताकि अगर कोई छिपने की जगह हो तो वो मुझे आसानी से दिख जाए।
कारपेट देखकर मुझे शक नहीं हुआ, इसलिए उसके नीचे कोई छिपने का कमरा नहीं हो सकता था। फिर मुझे लगा कि किताबों के पीछे शायद वैसी जगह हो सकती थी जैसा कि तुम्हें पता ही है कि पुराने घरों की लाइब्रेरी में बना होता था। मैंने देखा कि कमरे के चारों ओर फर्श पर किताबों के ढेर लगे थे, लेकिन बुक केस के आगे कोई भी किताब नहीं पड़ी थी। साफ जाहिर है कि वहां एक दरवाजा था। मुझे गाइड करने के लिए वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और कारपेट भूरे रंग का था, जिसे चेक करना तो बनता था। इसीलिए मैंने काफी सिगरेट पी और मैंने जानबूझकर बुक केस के सामने राख बिखेर दी। एक सिंपल सी चाल थी लेकिन बहुत ही असरदार। फिर मैं नीचे चला गया और तुम्हारे सामने ही मुझे पता चला वॉटसन के प्रोफेसर कोरम ज्यादा खाने लगे थे, जैसा कि कोई भी समझ सकता है कि वो किसी और को भी खाना खिला रहे थे। हम फिर ऊपर कमरे में वापस आए तो मैंने सिगरेट बॉक्स को नीचे गिराया था। तब मैंने उसे उठाते वक्त फर्श को बहुत नजदीकी से चेक किया था। उस पर फैले सिगरेट की राख पर लगे निशान से काफी क्लियर दिख रहा था कि कातिल हमारे आसपास था। हम जब नीचे गए थे तो वो बाहर निकली थी। वेल हॉपकिंस, हम चेरिंग क्रॉस पर पहुंच गए और मैं तुम्हें इस केस को कामयाबी से सुलझाने के लिए बधाई देता हूं। तुम तो नो डाउट हेडक्वार्टर जा रहे हो और मुझे लगता है कि वॉटसन तुम और मैं रशियन एम्बेसी तक साथ ड्राइव करेंगे। और इसी के साथ ये केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है। एक बार फिर से शेरलॉक होम्स की सूझबूझ और कमाल की कलम की जादूगरी जो कि आर्थर कॉनन डॉयल सर ने दिखाई। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी यानी कि ये केस भी आपको बेहद पसंद आया होगा। हमारी मेहनत आपको कैसी लगती है, आप इसका फीडबैक तो जरूर दीजिए ही दीजिए। साथ ही आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स जरूर लिखें जो आपने महसूस की हो इस स्टोरी को सुनते हुए। अगर आपने कोई लर्निंग भी पकड़ी हो तो वो भी जरूर मेंशन करें। बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अच्छा हाँ, एक बात पूछनी थी आपसे। हमें मालूम है कि आप शेरलॉक होम सीरीज और गीगल स्टोरी सेक्शन को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पर आप इसे औरों तक भी पहुंचा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो बड़ा अन्याय है। ये अन्याय ना कीजिए, सब तक पहुंचाइए। फिलहाल रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल को। गिगलर रूबी पारेख एंड गिगलर अमित वाधवा की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।